तो अपने बच्चों को कभी भी ऐसे मरे हुए घोड़े बनने की दिशा में मत जाने दीजिए। मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, मुझे कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रिजन में खुशी नहीं मिली, जिस तरह से स्पेशली वो इंडिया में ऑपरेट होती थी। इस तरह की प्रोग्रामिंग, बॉस में भी विजडम नहीं है, और एक विजडमलेस बॉस को खुश करने के लिए आप भी बिना विजडम की हरकतें कर रहे हैं। किसी के इंडॉक्ट्रिनेशन में आकर नहीं, अपने प्रति ही ऑथेंटिक होकर, अपने विजन के लिए ऑथेंटिक होकर ही जो हम कर सकते हैं ना, वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसी और के सेकंड हैंड सीमित व्यूज को इम्बाइब करके। ये चाहे कंपनी किसी भी तरह की क्राइसिस में से निकल रही हो, क्या कंपनी उस वक्त हमें अपना मानेगी? हमें आपके जो घंटे आप क्लॉक कर रहे हैं वो बिल कर सकता है अपने क्लाइंट को? ऑफन क्लाइंट होते हैं, बाहर की कंट्रीज में तो बिलिंग होती है डॉलर्स में, लेकिन आपको पे मिलती है सिर्फ रुपीज में। तो सबसे पहले तो कोई ऐसा इंसान जो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं उससे माप रहा है, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर उसमें बुनियादी विजडम ही नहीं है, या फिर दोनों। प्लीज अपने बच्चों के लिए हर किसी को रोल मॉडल बना के पेश मत कर दीजिए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नेशनल डेवलपमेंट, सिर्फ ये टर्म्स अपने मन के हिसाब से हर जगह फेंक देने से ही हर चीज सही नहीं हो जाती है, जस्टिफाइड नहीं हो जाती, हर विजन सच्चा नहीं हो जाता है, और ना ही प्रोग्रेस के नाम पर आपसे आपके कोई ढेर सारे जिंदगी के क्षण छीन ले, आपसे आपको ही छीन ले, वो जस्टिफाइड होता है। कॉन्शियस पेरेंटिंग की सीरीज के तहत अपने इस नेक्स्ट वीडियो का श्रेय जाता है श्री नारायण मूर्ति जी को। हाल ही में मिस्टर नारायण मूर्ति जी ने जो इतनी वाइज स्टेटमेंट दी कि 70 घंटों का वर्क वीक होना चाहिए, उसके ऊपर मुझे और मेरे हस्बैंड को काफी गुस्सा आया। हम इंफोसिस के एम्प्लॉई नहीं है, थैंक गॉड, और ना कभी होना चाहेंगे। ये वीडियो तो उन पेरेंट्स के लिए है ही जो अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस पेरेंटिंग करने के हमेशा इच्छुक रहते हैं, लेकिन ये वीडियो आप सभी के लिए, हर उस एडल्ट के लिए जो किसी भी तरह का काम करता है, किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में, या फिर अपना खुद का बिजनेस करता है, छोटे से लेके बड़ा से बड़ा। पिछले साल का ग्रेट प्लेसेस टू वर्क एट जो अवार्ड्स होते हैं उसका समिट मैं थोड़ा सा देख रही थी, और उसमें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कुछ सीईओज आए हुए थे, वो बात कर रहे थे कि किस तरह से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना कितना जरूरी होता है। तो क्या इस तरह की बातें नारायण मूर्ति कर सकते हैं या करना चाहेंगे? नो वंडर कि इंफोसिस और इंफोसिस जैसी और कंपनीज बिल्कुल भी ग्रेट प्लेसेस टू वर्क एट की लिस्ट में कहीं नहीं आती। इस तरह से नहीं बनते विजन, इस तरह से नहीं पूरे होते सपने, इस तरह से नहीं मोटिवेट होते लोग, इस तरह से नहीं होती नेशन बिल्डिंग, इस तरह से नहीं बड़ी बनती इकोनॉमीज, इस तरह से नहीं आती लोगों के अंदर खुशी। इतनी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग तो मुझे लगता है हर उस इंसान को होनी चाहिए जो अपने आप को किसी भी तरह का रोल मॉडल समझता है, या फिर जिनका नाम लेकर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो नारायण मूर्ति जी मुझे हमेशा ही कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लगे हैं। हाँ, ये बात फैक्ट है, उन्होंने एक सर्टेन मुकाम हासिल किया जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं जिसके लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत टर्नओवर है, एंड वगैरह वगैरह। उनकी वाइफ सुधा मूर्ति को बहुत सारे टॉपिक्स पर बोलने का शौक है, और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती भी है बिकॉज ऑफ हर स्पेशल पोजिशन जो ज़िंदगी ने उन्हें दे दी है। कभी कभी लोगों की किस्मत होती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ कवरेज मिल जाती है, बहुत ज़्यादा उनका नाम हो जाता है, इसलिए ऑफन लोग इंडिया में उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, और वहीं पे आ जाता है बहुत सारे बच्चों का पिटफॉल। सबसे पहले तो मैं नारायण मूर्ति जी से एक बस बेसिक सा ही क्वेश्चन करना चाहूंगी, वो ये है, जब आज से बहुत साल पहले वो अपने एक छोटे से घर में बैठकर कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिस काम ने नींव रखी बाद में जाके, और उस सब की जिसके हक पर वो आज ये सब कुछ बोल पाते हैं या अपने आप को इंपॉर्टेंस दे पाते हैं, तो क्या वो ये सब इसलिए कर रहे थे? क्या उनका विजन ये था कि उन्हें नेशन बिल्डिंग करनी है या उन्हें इकोनॉमी बनानी है इंडिया की? नहीं, अगर वो ऑनेस्टली जवाब देंगे तो उनका जवाब यही होगा कि वो उनका पर्सनल एम्बिशन था, उनका पर्सनल ड्रीम था, और सेल्फ मोटिवेशन इसीलिए थी। सेल्फ मोटिवेशन नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं थी, नेशन की इकोनॉमी के लिए नहीं थी, नेशन की प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं थी, ये उनका सेल्फ के लिए, खुद के लिए विजन था जिसमें उनके साथ साथ उनकी वाइफ और कुछ और लोग भी जुड़े। बाद में वो चीज़ क्या बन गई, इसमें उनके हार्डवर्क, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्किल के साथ साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान हुआ। तो
तो सबसे पहले तो अगर हम अपने आप से ये झूठ बोलते आए हैं या बोलते हैं, या फिर अपने बच्चों को इस झूठ के आधार पर अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे कि नेशन के लिए कुछ करना है, देश का कल्याण करना है, तो ये फाउंडेशन ही गलत होगी। हम अपने आप से झूठ ही बोलते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहला कदम, सबसे पहला वो बीज जो हमें कुछ भी इंस्पायर करने के लिए करता है, वो हमारे खुद के अंदर से आता है, जिसमें हम, हमारा सेल्फ, हमारी कोर जो हम हैं, ऑथेंटिसिटी किसी तरह से इन्वॉल्व होती है। तो हमारा कोर एक नेचर गिवन टैलेंट होता है, लेकिन वो कोर ड्रीम, वो कोर विजन आपका ही होता है, सिर्फ आपका। और उसको बड़ा करना, उसको फलते फूलते हुए देखना, उसको आगे तक ले जाकर कुछ बना डालना, ये आपके अंदर से ही प्रेरणा आती है, ये आपकी खुद की इंस्पिरेशन होती है। अगर आपके अंदर वो विजन नहीं है जो आपका है, वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो बाहर की ये कहीं सुनी बातें जो किसी के भी नाम पर हो, किसी देश के नाम पर हो, किसी संप्रदाय के नाम पर हो, किसी और के सपने को बड़ा बनाने के नाम पर हो, वो काम नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, वो लास्टिंग नहीं होगी, और वो आपको ड्रेन कर देगी, क्योंकि वो एक झूठ पर आधारित होगी। क्योंकि सबसे पहले हर एक इंसान की जो बुनियादी नीड होती है, जो उसके स्पिरिचुअल नेचर का कोर भी होता है, वो होता है अपने आप को अपने ऑथेंटिक वर्जन में पूर्ण होते देखना। तब आपके वो पूर्ण होने से और भी बहुत सारी चीज़ें पूर्ण हो सकती हैं। और ये जो पूर्ण होने की नींव होती है, किसी की भी बाहरी एक्सपेक्टेशन की गुलाम नहीं हो सकती। नारायण मूर्ति ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वीकली वर्किंग आवर्स 70 आवर्स के होने चाहिए। मुझे पता था ऑब्वियसली इस रिडिकुलस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट व्यूज होंगे, वो वाले व्यूज भी जो शॉकिंगली इसको सपोर्ट करेंगे, और वो वाले व्यूज भी जो इसको रोस्ट करेंगे। सबसे पहली मेरी रिसर्च मुझे लेके गई कोरा की तरफ, और वहां पे तो मैंने थोड़े से व्यूज पढ़े उन लोगों के जिन्होंने जवाब दिया था इस प्रश्न के ऊपर। मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि जो इंडिया की अभी की जनरेशन है जो काम कर रही है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, उसमें थैंकफुली थोड़ी सी समझ आ रही है, एंड दे आर नॉट बाइंग दिस नॉनसेंस। एक इंसान ने लिखा कि हो सकता है पुराने जमाने में इस तरह से लोगों के लिए चलता होगा कि इस तरह से जी हजूरी वाली नौकरी करना पैसे कमाने के लिए, लेकिन आजकल के लोगों का ये एम नहीं है। वो पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस्ड होकर अपने टर्म्स पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के कमाना चाहते हैं, स्लेवरी करके नहीं कमाना चाहते। तो किसी और ने बहुत सटीक ह्यूमर में और रोस्टिंग के अंदाज में लिखा कि हाँ, हम लोग इतना काम करेंगे तभी तो अक्षता मूर्ति यूके में एक और नया मैंशन खरीदेगी। उसमें से सबसे बेहतरीन जो मुझे जवाब लगा, जिसमें मुझे लगा कि काफी सारी चीजों का सार है, और जो सबसे संक्षेप भी था, उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वो मैं टुवर्ड्स द एंड शेयर करूंगी। पर उससे पहले बहुत क्विकली ही बात करते हैं कि क्यों नारायण मूर्ति की ये स्टेटमेंट हर लेवल पर अनथॉटफुल थी, इनसेंसिटिव थी, सेल्फिश तो थी ही, लेकिन बहुत ज्यादा बेबुनियादी थी और मिस इन्फॉर्म्ड भी थी। जर्मनी और जापान का एग्जाम्पल देकर नारायण मूर्ति ने अपनी बात को वैलिडेट करने की कोशिश की कि कैसे इस कंट्रीज में लोग इतने इतने घंटों काम करते थे, इतनी मेहनत करी है, एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करे हैं, तभी वो कंट्रीज सो एंड सो लेवल्स पर पहुंची हैं। तो वो सबसे पहले बहुत बड़ी बात भूल गए कि जर्मनी और जापान, दीज टू कंट्रीज वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय वॉर्स। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ने बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन फेस किया था, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जीत की उम्मीद करते करते वो कंट्री का बुरा हाल हो गया था जब उन्हें दोबारा हार मिली थी। हर तरह से ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इकोनॉमिकली वो कंट्री ऑलमोस्ट शैटर हो गई थी। जर्मनी आज तक शर्मसार है हिटलर के उस नेशन बिल्डिंग के विजन के लिए। उस चैप्टर का नाम तक हटा देना चाहता है वो आज। और श्योर आप में से पढ़े लिखे लोग जानते होंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी के साथ क्या हुआ था जब वहां पर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके गए थे। तहस नहस हो गई थी, पूरे शहर बर्बाद हो गए थे। और ऐसे में इन दोनों कंट्रीज ने जो भी करा वो करना उनके लिए शायद जरूरी था, अलग अलग तरह से, अलग अलग सिचुएशंस में, लेकिन ये कंट्रीज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी, राख हो गई थी। कुछ भी अगर जीने के लिए समाधान करना था, जिंदगी को दोबारा जोड़ना था, दोबारा से इन कंट्रीज को राख से चीजों को ऊपर उठाना था, अलग थी सिचुएशन और हालात बिल्कुल अलग थे, जो अभी के हालात नहीं है नारायण मूर्ति के इंडिया के।
और क्या नारायण मूर्ति नहीं जानते कि जहां पर इस तरह के वर्क आवर्स होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे करते हैं इम्प्लॉयज और पब्लिक इन जनरल। जैसे जापान में ओवर वर्क से मर जाना बहुत कॉमन था, इतना कि अब वहां पर वर्क आवर्स बहुत ज्यादा रेगुलेट कर दिए गए हैं, जो देश की बुनियादी जरूरतें हैं इस समय जो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो नारायण मूर्ति के कॉर्पोरेट इंडिया के एम्प्लॉयज के 70 70 या 72 घंटे वीकली काम करने के ऊपर निर्भर नहीं है। उसके ऊपर अगर निर्भर है तो सिर्फ नारायण मूर्ति का खुद पर्सनल प्रॉफिट। हाँ, अब इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे लेकिन वो प्रॉफिट शेयर भी तो करते हैं, इतनी सारी फिलंथ्रोपी करते हैं, इतने सारे लोगों को जॉब्स जनरेट करके देते हैं, तो लेकिन वो तो करना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इतनी बड़ी कंपनी रेस कर लेगा अपने काम के ऊपर तो वो कंपनी अकेले तो चला नहीं सकता। जॉब देना उनकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेशियो में इंफोसिस जैसी कंपनीज लोएस्ट रैंक करती हैं। आज ऐसे है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन अब से कुछ साल पहले तक इंफोसिस जैसी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को टाइज लगा के जाना पड़ता है। जो भी कंपनी अपवर्डली मोबाइल होती है, प्रोग्रेसिव होती है और ट्रूली कंसर्न होती है अपनी इंप्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए, सबसे पहले तो वो इतने बचकाने रूल्स कभी इम्पोज नहीं करती है। गले में फंदा बांध के रहना है पूरा दिन, ये बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम के रूल्स हैं, और अमेरिका में तो ये टाई वाले रूल्स कोई फॉलो करता भी नहीं है ना कोई पसंद करता है, अनलेस बहुत ज़्यादा फॉर्मल फॉर्मल इवेंट हो। इंडिया में अभी भी जब नारायण मूर्ति जैसे लोगों के ये वाले रिडिकुलस थॉट प्रोसेसेस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, वर्किंग कॉर्पोरेट वीकली आवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मोस्ट वेस्टर्न नेशंस। बहुत सारी इंडियन वेमेन जो अभी भी बाहर वर्क करती हैं फुल टाइम, उनके पास प्रॉपर होम लाइफ बैलेंस करने के तरीके नहीं हैं, वो ऑफन ओवरबर्डन्ड होती हैं ट्राइंग टू मैनेज टू डिफरेंट वर्ल्ड। साथ ही में जो मेल वर्कर्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, वो अभी भी एक एवरेज टाइमिंग्स होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा काम करते हैं, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स मोर ऑफन देन इज रिक्वायर्ड। इंडिया का जो वर्क सिस्टम है अभी भी बहुत हायरार्किकल है, जो जी हजूरी वाला यस बॉस वाला सिस्टम होता है अभी भी वहां पर बहुत फॉलो होता है। आप जानते होंगे कि इंडिया में बहुत नॉर्म है कि जब तक बॉस उठ के नहीं चला जाए या जब तक बॉस की नजर नहीं हटे तो कोई जो एम्प्लॉय है वो उठकर नहीं जाता, चाहे देर इज नथिंग एल्स लेफ्ट टू बी डन फॉर द डे, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि इस तरह का दबाव बना होता है, बेतुका बैठे हैं, लंबा लंबा बैठे हैं, काम को खींचने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो सकता है फिर भी नहीं उठ रहे हैं। फ्रांस को ही ले लीजिए जिसकी GDP इंडिया से बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं वहां का एवरेज वीकली कॉर्पोरेट वर्किंग आवर, और क्या आप जानते हैं कि वहां पे ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय की लंच ब्रेक कितनी लंबी होती है? एनी गेसेस? 2 घंटे की। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैं 2 घंटे की लंबी वर्क ब्रेक प्रमोट कर रही हूं, ऑब्वियसली इंडिया में तो शायद गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो इसको 2 घंटे के पता नहीं कितने घंटे बना दिया जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं वो 2 घंटे की वर्क ब्रेक के पहले भी और उसके बाद भी जो एम्प्लॉयज की एक एवरेज एम्प्लॉय की एफिशिएंसी होती है वो पूरी बरकरार रहती है, हाई एफिशिएंसी पे काम करते हैं। और ये फर्स्ट हैंड बता रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत महीनों फ्रांस में काम किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने आवर्स क्लॉक कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, उससे नहीं बनती है प्रोडक्टिविटी, उस पर नहीं डिपेंड होती है कंट्री की प्रोग्रेस, और आपकी खुशी तो बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट आपकी खुशी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है एज एन एम्प्लॉई, एज अ स्पाउस, एज अ पेरेंट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। तो शायद खुश होता है तो वही जना जिसकी पॉकेट्स भर रही होती हैं। मुझे कभी अंदर से रोल मॉडल्स पर यकीन नहीं रहा, ना मुझे कभी रोल मॉडल्स की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करती या एडमायर नहीं करती, लेकिन इंस्पिरेशन लेना किसी से और किसी को रोल मॉडल बना डालना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। रोल मॉडल लोगों को बना देना ऑफन हमारे खुद के लिए ही बर्डनसम हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है, हम एक सेकेंड हैंड जिंदगी जीने लगते हैं, हम खुद को किसी और की जिंदगी की दृष्टि से देखने लगते हैं और मापने लगते हैं, और यही हमें कभी नहीं करना है। सो कॉल्ड रोल मॉडल्स को आपके बच्चों से जो आगे चल के खुद का और शायद देश का भविष्य बनवाएंगे, उनका विजन, उनका ऑथेंटिक ड्रीम, उनकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी को खींच लेने की, उनके जिंदगी के हर लम्हे पर कॉर्पोरेट क्लॉकिंग मत होने दीजिए, उनको बैलेंस सिखाइए, काम का बैलेंस,
जिंदगी का बैलेंस, रिश्तों का बैलेंस, हेल्थ का बैलेंस, हैप्पीनेस का बैलेंस, जो वो करना चाहते हैं, जिसे करने में खुशी मिलती है, उसके साथ साथ जो उन्हें शायद करना पड़ता है उसका बैलेंस, एक्स्ट्रा लॉयल होने की, लंबे लंबे घंटों बैठकर काम करने की, वर्क लाइफ में इम्बैलेंस करने की, इस तरह की तो ऑलरेडी बहुत सारी टेंडेंसीज हैं ही, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज में, उसके चाहे जो भी रीजंस हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ का शौक, चाहे प्रमोशन का शौक, चाहे बॉस का डर, चाहे फिर अपना खुद का वर्कहोलिज्म जो हमारे ही अंदर किसी अनहील्ड पार्ट की वजह से शुरू होता है और जिसकी वजह से खमियाजा भुगता है उन्होंने और उनके घर वालों ने। लेकिन हमें स्पेशली इस नई जनरेशन को उन चीजों को खत्म करना है, उन चीजों को एक डीपर ट्रूअर पर्सपेक्टिव से देखना है, उनको वही घिसी पिटी पुरानी सोच को बढ़ाना नहीं है जो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स शायद नहीं समझ पाए, या जो समझने का उन्हें उनके हालातों के हिसाब से मौका नहीं मिला। तो नारायण मूर्ति से ये सवाल भी जरूर पूछना वो लोग कि हम आपको 70 या 80 घंटे भी हर हफ्ते के दे देते हैं, लेकिन उससे जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, क्या उसका कंपैरेटिव हिस्सा हमारे घंटों के हिसाब से हमें भी मिलेगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये पूछिए कि क्या जब ऐसा समय आएगा, जो कि हमेशा आता ही रहता है उतार चढ़ाव की तरह, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा या जब कोई बुरा वक्त होगा, जब आपकी कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं बना रही होगी जितना आप बनाना चाहते हैं, या उस रेट से नहीं बढ़ रही होगी, तो क्या आप हमें अश्योरेंस देंगे कि हमें निकाला नहीं जाएगा, हम अपनी सैलरीज पर, अपनी पोजीशंस पर बरकरार रहेंगे? क्या कंपनी तब हमें उस तरह की लॉयल्टी दिखाएगी, तब ये बोलेगी कि नहीं, नेशन बिल्डिंग के लिए हमें अपने एम्प्लॉयज को भी अपना मानना है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस? और अगर नहीं, तो सच क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपकी ये सारी बातें एक्चुअल ट्रूथ के लिए, एक्चुअल इंटेंशंस के लिए सिर्फ एक कवर अप है, और उस असली इंटेंशन में नेशन, इकोनॉमी, इस तरह के वर्ड्स कहीं फिगर नहीं करते। अगर आपका पर्सनल प्रॉफिट और पर्सनल प्रोग्रेस उसमें फिगर नहीं कर रही, तो और अंत में मैं उसी इंसान का जवाब शेयर करना चाहूंगी जो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, कि क्या फर्क पड़ता है अगर इकोनॉमी धीरे भी बढ़ रही है तो, लेकिन सिटीजन्स खुश हैं, क्योंकि क्या उनकी खुशी ही आधार नहीं है हर चीज का? क्यों किसी सो कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की रेस में जोड़ना है जो कि एक इल्यूजनरी रेस है? अगर नेशन की प्रोग्रेस का विजन रखते ही है वाकई में और उसको मापना है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स से मापिए, एम्प्लॉयज की वर्क सेटिस्फैक्शन से, उनके हैप्पीनेस कोशेंट से मापिए, वो काम पर रोज जाने के लिए कितना मोटिवेटेड फील करते हैं, कितना फ्री होकर अपना बेस्ट क्रिएटिव सेल्फ दे पाते हैं, कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं, एम्प्लॉयज की मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबींग जो कि आगे चल के उनकी ही प्रोडक्टिविटी को असली में बेहतर करवाती है, और जिनको बढ़ाने के लिए उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शायद उसको मापिए। मैनेजर्स का ऑन एन एवरेज अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कितना हेल्दी रिलेशनशिप है उससे मापिए। एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितने सालों तक एक पीक परफॉर्मेंस पे अपने आप को मेंटेन कर पाता है उससे मापिए। और बाय द वे, ये इंडेक्स इंडिया का सबसे कम में से है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न नेशंस में ऑफन एम्प्लॉयज काफी आगे की उम्र तक भी वर्कफोर्स में एम्प्लॉयड रहते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन इंडिया में काफी जल्दी बर्नआउट हो जाता है और लोग रिटायर होना चाहते हैं। तो ये जानिए कॉन्शियस पेरेंट्स, और अपने बच्चों को भी समझाइए कि प्रोडक्टिविटी एक इनर स्टेट है जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में ही पनप सकती है। अब वो हेल्दी इंडिविजुअल कैसे बनना है अंदर से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, यही तो सारा खेल है समझने का। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल अंदर से, कोर से वो बन पाएगा जो उसे प्रोडक्टिव बनाता है, तो तभी उसकी ये प्रोडक्टिविटी हर उस चीज को बेनिफिट करेगी जिससे भी वो जुड़ेगा, चाहे खुद के किसी विजन से, चाहे किसी रिलेशनशिप से, चाहे किसी संस्था से, चाहे किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, या फिर किसी नेशन से। और अगर इंडिविजुअली अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, थका हुआ है, हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है गलत को गलत कहने की, जब वो मोहताज है उसका जो उसे आपसे मिलता है, जब उसे फॉलो करने पड़ते हैं जबरदस्ती के रूल्स, तो ऐसे इंडिविजुअल से आप 70 क्या 200 घंटे भी ले लें, तो वो वही बात होगी कि मरे हुए घोड़े को मारते रहे चाबुक। नहीं चाहिए आपके बच्चों को दुनिया भर के रोल मॉडल, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, साइंटिस्ट,
आप अगर अपने जीने के तरीके से ही उनको ठीक सोच, वाइज जीने के तरीके को मॉडल करना सिखा सके, उतना ही रोल मॉडल होना उनके लिए काफी है। और अगर किसी को रोल मॉडल बनाना ही बनाना है, खुद के लिए या अपने बच्चे के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही, तो प्लीज किसी ऐसे को ही बनाइए जो आपसे कभी ये नहीं बोले कि आप अपने ऑथेंटिक वर्जन में और अपने ऑथेंटिक विजन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ कर पाने के लिए आपको किसी और के वर्ड्स, किसी और का विजन, किसी और की सोच को ही फॉलो करना पड़ेगा।